हेलो एवरीवन, हेलो सुचित्रा जी, हेलो मोनिका जी, हेलो धान्या जी, राधे राधे जी सबको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। देखिए आज हमारा फेस का वर्क हम स्टार्ट करेंगे। हेलो वृंदा जी, हेलो सुमन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे जी आप सभी को। हमारा आउटर फ्रेम का मिरर वर्क, स्टोन्स, सारा वर्क हो चुका है। थैंक यू सो मच संध्या जी फॉर गिविंग मी स्टार्स। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। राधे राधे जी, थैंक यू। संयुक्ता जी नॉट वेरी गुड, बट मेरा वादा था आप सबसे कि मैं जन्माष्टमी से पहले कंप्लीट करवा दूंगी। तो जिनके घर में आज जन्माष्टमी है उनका भी ये दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा, और जिनके यहाँ कल जन्माष्टमी है तो आज तो हो ही जाएगा, है ना। तो मैंने मेडिसिन ली और मैंने सोचा कि लाइव आके आप लोगों का कंप्लीट करवा दूं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना हमारे श्रीनाथ जी। आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज खूब सारे दिल दीजिए इन्हें, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड थैंक यू डियर वंस अगेन फॉर गिविंग मी स्टार्स। जितना ज्यादा हो सके प्लीज 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 शेयर कीजिए। आज तो दिल खोल के शेयर कीजिए। आज लास्ट सेशन है हमारा श्रीनाथ जी का। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आज हम फेस पे काम करेंगे, और मैंने कहा था मैं फेस आपको पूरा सिखाऊंगी, कोई भी पार्ट नहीं ऐसा जो मैंने करके रखा हो और आपको ना बताया हो। हर एक पार्ट को मैंने पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब किया है। हेलो वंदना जी, थैंक यू सो मच। प्लीज सभी लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके हमारा काम, है ना। थैंक यू सो मच संध्या जी, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी डियर। थैंक यू निपा जी, थैंक यू। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा। चलिए हमारा बेस एकदम अच्छे से रेडी है। अब हमें सबसे पहले स्ट्रीलियन ब्लू कलर, ठीक है, स्ट्रीलियन ब्लू। थैंक यू अनु जी, थैंक यू अलका जी, नमस्ते ललिता जी, हेलो रेखा जी। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा। पर्शियन ब्लू, स्ट्रीलियन ब्लू, ये दो ब्लू हमें चाहिए। ब्लैक का यूज हम बाद में करेंगे। गुड आफ्टरनून जरना जी। ब्रश आपके पास एकदम अच्छा, सॉफ्ट और फाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए आपका ब्रश, ठीक है। और फैन भी एकदम स्लो रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, ये दो कलर्स मैंने निकाल लिए, बाकी मुझे कोई और कलर नहीं चाहिए। जस्ट मैंने ये दो कलर्स लिए हैं। सुप्रिया जी आई एम नॉट मच बेटर बट मैंने दवाई ली है एंड आई कैन टेक अ लाइव सेशन फॉर यू ऑल। आप सबका भी वेट रहा होगा ना कि हमारे श्रीनाथ जी कब कंप्लीट होंगे, तो बस इसीलिए ये प्लेट मैंने साइड में रख दी। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब मैं फेस बताना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके साथ मैं वाइट कलर लूंगी जी। इसी पेज पर ही है गार्गी जी। आपके लिए दीपक सर टीचर दूं। दीपक सर इज फ्रॉम पीडी लाइट, और अगर कोई भी पीडी लाइट ज्वाइन करना चाहता है तो वो दीपक सर को कांटेक्ट कर सकता है। ही इज फ्रॉम लखनऊ। तो अगर कोई भी पीडी लाइट ज्वाइन करना चाहता है तो वो दीपक सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ। थैंक यू सो मच निराली जी। बस आज का सेशन ही करवा दूं ताकि मैं ना मेरा भी मन है श्रीनाथ जी हो जाए, और आप सबका भी वेट रहा होगा कि श्रीनाथ जी कब कंप्लीट होंगे, तो होपफुली हो जाएंगे। सबसे पहले मैं पर्शियन ब्लू लूंगी। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि देखिए मैंने कोई भी पार्ट नहीं छुपाया, तो आप बिल्कुल आराम से देखिए। दीपक सर अपना नंबर यहीं डाल देंगे, पर्शियन ब्लू। ठीक, पानी नहीं लेना है आपको अपने ब्रश में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पर्शियन ब्लू, ठीक है, और पर्शियन ब्लू के साथ ही मैंने स्रीलियन ब्लू ले लिया और इसकी ब्लेंडिंग कर दीजिए। एकदम अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपको, बहुत ध्यान से देखना, अगर देखोगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर पर्शियन ब्लू, एकदम अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिएगा। अगर ज्यादा तेज फैन के नीचे बैठोगे तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए आई सजेस्ट कि फैन ऑफ करके बैठिएगा। हेलो मृदु जी। हेलो रिचा, कैसे हो? मैं यहाँ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगी। मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे एक बल्क ऑर्डर मिला है ज्वेलरी का, तो मैं बहुत परेशान थी बिकॉज कोई भी ना मुझे MDF बेसिस मेरी चॉइस के हिसाब से कट करके नहीं दे रहा था। हर कोई MDF बेसिस बल्क में कट करता है, बट शी इज द ओनली वन जो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से कट करके दे देंगे, इवन डिजाइन भी करके दे देंगी। तो आज मैंने इनको स्पेशली बोला कि आप मेरे लाइव में आइए सो दैट मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, बिकॉज हम सभी की रिक्वायरमेंट होती है ना कि हमें हमारी चॉइस के हिसाब से कुछ अच्छा कटआउट मिल जाए। तो वो रिक्वायरमेंट मेरी रिचा ने पूरी की। तो अगर कोई भी अपने लिए कस्टमाइज करवाना चाहता है सिंगल पीस भी, तो रिचा वो भी आपको करके देंगी. शी इज रियली वंडरफुल. सर्विस बहुत अच्छी है, स्टफ बहुत अच्छा है इनका. और मुझे इतने प्यारे कटआउट्स इन्होंने अवेलेबल करवाए, इवन डिजाइनिंग भी मेरे साथ बैठकर की. और सभी डिजाइन्स इतने खूबसूरत कटे हैं रिचा जी, जैसे मैंने सोचा था सेम वैसे ही पीसेस आए हैं. हर एक शेप, ये देखिए बर्ड की शेप है, ये एब्स्ट्रैक्ट शेप है. आपको कोई भी सिंगल पीस में नहीं काट के देगा, हर कोई आपको बल्क में कट करके देगा. और इन्होंने मुझे एक एक पीस, ये देखिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट फेस है, एक एक पीस कट करके दिया. तो कभी भी आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट है तो एक बार जरूर आप इनको कॉन्टैक्ट करना. रिचा जी आप अपना नंबर यहाँ पर डाल दीजिए. देखिए एक एक पीस कोई नहीं काट के दे रहा था, मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरा ये ऑर्डर कैसे काम करेगा. और उन्होंने मुझे हर एक पीस कट करके दिया. देखिए पिकॉक फेदर कितना खूबसूरत, और इवन साथ में मुझे बांसुरी भी दी. हर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कट करके दी. तो आज मैंने उन्हें स्पेशली बोला कि आप जरूर आना लाइव में, ताकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूं. तो आप लोगों को कभी भी जरूरत हो तो आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा एक बार रिचा को. उनका पेज है आरंभ द इनोवेशन जोन. और ये देखिए कितने प्यारे हैं ये. इनको हम फ्रिज मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे. तो ये इनका सेशन रहेगा 20th को. मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने उनसे ये भी मंगा लिया अपने लिए. तो ये इसका सेशन हम रखेंगे 20th को, ठीक है ना, जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे. तो ये आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा. फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे हम कृष्ण जी की थीम पे. ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल. और ये देखिए इतनी प्यारी इन्होंने मुझे स्ट्रिप्स कट करके दिए हैं. ये मेरा एक फ्यूजन ज्वेलरी का बेस है. तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे लगा कि मेरा ऑर्डर तो गया, क्योंकि कोई कट करके ही नहीं दे रहा था, हर कोई बल्क ही कट करके देता है. तो शी इज रियली नाइस. आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिएगा. आरंभ द इनोवेशन जोन ये नाम है इनके पेज का. एंड रिचा जी प्लीज अपने पेज का नाम भी डाल दो यहाँ पे. और ये देखिए कितनी प्यारी सी है ना. ये हम टीचर्स डे पे करेंगे, टीचर्स डे स्पेशल रहेगा ये हमारा आर्टिकल. तो अगर किसी को भी कुछ भी चाहिए इस तरह का छोटा छोटा क्यूट सा, तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट हर. शी इज रियली वंडरफुल. देखिए उन्होंने डाल दिया है अपने पेज का नाम. आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिएगा. प्राइसिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस. बिल्कुल नॉमिनल और बिल्कुल रीजनेबल. इतना नॉमिनल तो मैंने सोचा भी नहीं था. बहुत अच्छी प्राइसिंग है. और प्राइस के अकॉर्डिंगली जो स्टफ की फिनिशिंग है वंडरफुल. तो आप लोग जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा. और एक हम फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे कृष्ण जी का. और 5 तारीख को हम करेंगे टीचर्स डे स्पेशल फ्रिज मैग्नेट, ठीक है. तो अगर किसी को कुछ भी कांटेक्ट करना है, कुछ भी मंगाना है, तो आप उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज उनके पेज को विजिट कर लीजिए. हेलो अनीता जी, मैं 3-4 दिन हो गए, मतलब मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कैसे अपने इस ऑर्डर को कंटिन्यू करूंगी. बट शी इज सो हेल्पफुल. उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरी इतनी हेल्प की, मेरे साथ बैठ के डिजाइनिंग की. अलग से टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है किसी एक कस्टमर के लिए. अगेन आई एम टेकिंग पर्शियन ब्लू. मैंने मतलब मेरी तरफ से ये एक स्मॉल सा जेस्चर था थैंक्स कहने का कि सच में शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. मगर कोई भी किसी भी तरह का MDF स्टफ चाहता है कस्टमाइज, तो वो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. पर्शियन ब्लू, अगेन पर्शियन ब्लू. पानी नहीं लेना ब्रश में और फैन को ऑफ रखना है, या फिर 1 नंबर पे, जैसे मैंने 1 नंबर पे चला रखा है अपना फैन, ऐसे. बल्क में हमें सभी कट करके दे देते हैं, बट सिंगल पीस में ना बहुत ही मुश्किल होती है. मैं खुद बहुत परेशान थी. ये भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, एंड थैंक्स टू हर. अगेन आई एम टेकिंग सिरिलियन ब्लू. ब्लेंडिंग एकदम अच्छी आएगी अगर आपने बेस पे दो लेयर ऑलरेडी कर रखी हैं और आपको अपने कलर में पानी नहीं लेना, ठीक है। I am just taking Cerulean blue. और हल्का सा पर्शियन यहां पर लिया है मैंने। Then again Cerulean blue. देखिए फेस के आपको फीचर्स दिखने शुरू हो गए होंगे, है ना। अगेन यहाँ पे मैं Cerulean ब्लू ही ले रही हूँ पूरे फेस पे। एक बार ब्रश को क्लीन कर लीजिए, आपके ब्रश में डार्क कलर नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि अब हम फेस की जो शेडिंग है वो कर रहे हैं। कृष्णा फैन ऑफ कर देना। देखिए मैंने फैन को ऑफ कर दिया है बिकॉज मुझे कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा था कि पैच आ जाएगा, तो आप लोग भी फैन को ऑफ रख सकते हो व्हाइल यू आर ब्लेंड द कलर्स। अगर हमें स्टफ अच्छा मिल जाता है ना, बेस अच्छा मिल जाता है, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही आसान हो जाता है। बस इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा था, एक तो मुझे फीवर हो रहा था, दूसरा मेरा काम रुका हुआ था, मैं बहुत टेंस थी, और ये ऑर्डर जाना भी मेरा बाहर है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी मेरा काम हो गया, ठीक है। ये हमारा फेस देखिए, इधर का और इधर का डिफरेंस आना शुरू हो गया ना। अब अगेन फिर हम एक बार थोड़ी सी और ब्लेंडिंग करेंगे। थोड़ा सा लाइट शेड लेके ज्यादा लाइट नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है। Cerulean ब्लू और पर्शियन ब्लू, दो ब्लू लिए हैं मैंने, Cerulean ब्लू पर्शियन ब्लू। Cerulean ब्लू से बहुत अच्छा शेड आता है फेस का, ओके। नोज के पास फिर से मैं थोड़ा सा पर्शियन ब्लू ले रही हूं। और इसको बस ब्लेंड कर दीजिए। आप सबको कैनवसेस मिल गए होंगे जिन्होंने कैनवस के ऑर्डर किए हुए थे। आई थिंक आप सबको मिल गए होंगे कैनवस। पर्शियन ब्लू आई एम टेकिंग, जहां पर मैं जोन सा ब्लू ले रही हूं साथ साथ में आपको बता रही हूं, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब ऐसा ही सेम पहले हम दूसरी साइड करेंगे। कौन कौन से कलर्स लिए हैं मैंने, फटाफट से बताइए मुझे। दूसरी साइड भी हम सेम इतना ही पहले लाइट कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए मैंने कौन कौन से कलर्स लिए हैं। आपको भी रिवाइज हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितने ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल लेके चलना है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। आईज में मैंने अभी कुछ नहीं किया, ये वही है। आप लोग आईज को लेके इतने कॉन्शियस क्यों हो? आईज में तो जस्ट हम व्हाइट कलर करेंगे और हमारी आईज तैयार हैं। मेन चीज तो फेस का बेस है, फेस की ब्लेंडिंग है, वो देखिए पहले ध्यान से। आईज में मैंने लास्ट सेशन में भी बताया कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन आईज टिल नाउ। ये वाला कौन सा ब्लू लगा रही हूं मैं फिलहाल फेस में? जो चीज पहले हम बना रहे हैं ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जब मैं आईज करूंगी तो आईज भी मैं पूरी ही बताऊंगी। आज हमें कंप्लीट करने, चाहे मेरा सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड ही क्यों ना हो, वी हैव टू कंप्लीट दिस बिकॉज आज ही लास्ट डे है। और आप लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक, प्लीज आज तो एटलीस्ट 200+ शेयर्स होने चाहिए ना। इतनी शेयरिंग तो कीजिए कि 200 के नियर अबाउट हमारी शेयरिंग पहुंच जाए। मुझे तो लगा था श्रीनाथ जी के सेशन में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब शेयरिंग हमारी 200 के नीचे होगी, बट एक भी दिन ऐसा नहीं आया। जस्ट अपोजिट हो गया ये, है ना। तो आज तो एटलीस्ट शेयर कर दीजिए। फिर पता है क्या लगता है कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया या फिर शायद मैं अच्छे से सिखा नहीं पाई, दोनों में से कोई एक रीजन है जो आप लोग शेयर नहीं करते। एक मिनट में स्ट्रीलियन ब्लू निकाल लूं। देखिए मेरा स्ट्रीलियन ब्लू खत्म हो गया, तो मैं जरा वो निकाल लूं एक बार। हेलो जी, हेलो सबको। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा ध्यान ब्लेंडिंग में है तो फोकस कम है। अरे डियर, पहले दिन से मैं आप लोगों को साइज बता रही हूँ, आप अभी भी साइज पे ही कंफ्यूज्ड हैं। 16 इंचेस का सर्कल है, 16 इंचेस का सर्कल है ये। Day 1 से I'll mention the size again and again that we are using 16 inches diameter circle. और आज लास्ट डे है, अभी भी You still asking the same question. I request, please share the video as much as you can. पानी मत लीजिएगा, जस्ट बिना पानी के ही यू हैव टू ब्लेंड ऑल द पार्ट नाइसली. किसकी शेडो आ रही है देखना तो आपको ध्यान से पड़ेगा इसी में ही, बिकॉज डार्क कलर है ना, तो थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम तो होगा. तो ध्यान से देखिए, क्लियर दिखेगा, कंसंट्रेट कीजिए. देखिए अभी मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक लिप्स. ब्लैक आउटलाइन देख के आई एम यूजिंग पर्शियन ब्लू. आउटलाइन के साथ ही मैंने मिक्स कर दिया है पर्शियन ब्लू को. और नीचे वाले लिप्स पे भी आई एम यूजिंग पर्शियन ब्लू. ठीक है, अब पर्शियन ब्लू के साथ आई एम टेकिंग सिरिलियन ब्लू. मैं अभी आपको फ्रंट से दिखा दूंगी एक बार. Again Cerulean blue. और Cerulean blue के साथ a pinch of white. ठीक है, बिल्कुल स्लाइडली वाइट. श्रीनाथ जी का फेस थोड़ा सा डार्क टोन में होता है ना, रजनी जी मेरा सिखाना काम है बेस्ट, है ना, और आपका काम है सीखना. आप अपना काम अच्छे से कीजिए, मैं अपना काम, बाकी तो इनको इनके ऊपर छोड़िए, ये अपने आप करवाएंगे. हम कौन होते हैं, है ना, हमारी तो हस्ती ही नहीं है कुछ भी. हमारी कोई हस्ती नहीं है इनके आगे, ये अपने आप करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. और कब आपसे सब कुछ बनता चला जाएगा. लाइट ब्लू या वाइट कुछ भी ले लीजिए आप. ठीक है, लिप्स की शेप डिफाइन हो गई. Cerulean ब्लू अभी थोड़ी देर हमें रुकना पड़ेगा. सेकेंड लेयर फेस की हम तब करेंगे जब हमारी ये वाली लेयर थोड़ा सेटल हो जाएगी. ओके, अदरवाइज तो मैं एक दिन का गैप रखती हूँ, पर आज हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव टू फिनिश इट, तो थोड़ा सा हम रुकेंगे, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा नेक पार्ट है, तो यहाँ थोड़ा पर्शियन ब्लू का एक कोट और कर देंगे। ठीक है, फॉर द नेक एरिया। अगर आपका गोल्डन थोड़ा स्पॉइल हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से लगा सकते हो। देखिए मैं इतनी देर से गर्मी में ही बैठी हूं, आई एम नॉट टेकिंग फैन और बहुत गर्मी है। तो अब आप भी सोचिए कि अगर आपको बेस्ट से बेस्ट काम करना है तो गर्मी को किस हद तक एडजस्ट करना है ना? दैट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू एडजस्ट ऑल द कंडीशंस इफ यू वांट टू मेक योर आर्ट फॉर्म ब्यूटिफुल। तो आपको सब चीज एडजस्ट करनी आनी चाहिए, किसी भी चीज से हमें डरना नहीं है। अब ये वाला नोज वाला पार्ट करते हैं। हेलो टीना जी, अरे वो तो थोड़ा बहुत ऐसे ही गुनगुना लेते हैं। अगर मैंने कोई भी सॉन्ग गाया ना तो मेरी वीडियो ही कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगी। देखिए नोज एकदम लाइट रहेगी, सिरिलियन ब्लू में थोड़ा सा वाइट ले लीजिएगा। हो गया? अगेन मैंने थोड़ा सा पर्शियन ब्लू लिया है, नोज को एकदम स्ट्रेट लुक देने के लिए। मैं अभी आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। प्लीज सभी लोग जरूर से शेयर करना। मैं बहुत दिल से सिखा रही हूँ आप लोगों को, तो प्लीज 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 सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये देखिए एक्चुअली मिरर्स वगैरह का भी ना अब रिफ्लेक्शन चेहरे पर आने लग गया है ना। थैंक यू सो मच। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा। परी, अब हम नोस्ट्रिल और आईज में काम करते हैं. थैंक यू सो मच. अब हम आईज में काम करेंगे. आप जो इतने दिन से परेशान थे ना, मैंने आईज में क्या किया है, आईज में क्या किया है, तो मैंने आईज में कुछ नहीं किया. आज मैं आईज में काम करूंगी. ठीक है, जस्ट मैंने व्हाइट कलर लिया. एक अच्छा सा आप अपना ब्रश ले लीजिए, जो खाली कर देना. व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर. प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा. अगर शेयर नहीं करेंगे ना तो देखिए इतना सुंदर सिखाने का जो पर्पस है ना वो सॉल्व ही नहीं होगा. तो प्लीज सभी लोग शेयर कीजिए. As much as you can. हो गया. बट शेयरिंग तो अभी भी बहुत कम है डियर, बहुत कम. ब्लैक कलर मैं यूज कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन. अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी. सी, ठीक है. हल्का सा वाइट कलर. देखिए ये चीजें ना पेड में सिखाई जाती हैं इस तरह से, जो मैं आपको प्री क्लास में सिखा रही हूँ. और उसमें भी अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो फिर सोचिए मुझे कैसा फील होगा, है ना. मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा ना कि फ्री तो सिखाना है, मैं क्यों इतना अच्छा सिखाऊं। फिर आप लोग मत सोचिए, आप भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। है ना, कोई फ्री में भी इतना मतलब पेड में भी कोई इतना डिटेल में नहीं बताता होगा जितना मैं आपको फ्री में बता रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। अभी आईज में हमें और काम करना है, तो थोड़ा सा अभी हम रुकते हैं यहाँ पे, इस वाली आईज पे काम कर लेते हैं इतनी देर, क्योंकि जब तक एक लेयर नहीं सूखती तब तक हम दूसरी लेयर का काम नहीं कर सकते। और ये ऊपर से तो जल्दी सूख जाती है, बट लेयर बाद में ना मैसी हो जाती है जब आप इस पे सेकेंड लेयर का काम करते हैं। या देखती हूँ मैं आधे घंटे बाद फिर से लाइव आऊंगी और जो फिनिशिंग है वो बताऊंगी। परी जरा फैन ऑन करना। परी फैन ऑन कर। रहने दो। ठीक है, तो मैं आधे घंटे बाद फिर से लाइव आती हूँ और आपको आगे का बताती हूँ, बिकॉज अभी तो बहुत गीला है, इस पे फाइनल फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। तब तक सोचिए आप शेयर करने के बारे में। ठीक है, देखिए अभी इतना हुआ है, आधा घंटा क्या टाइम हो रहा है अभी, इट्स 4:14, तो 4:35 पे मैं दोबारा लाइव आऊंगी। आप लोग सब ज्वाइन हो जाइएगा फॉर फेस की फाइनल फिनिशिंग। तब तक अगर शेयर अच्छे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर शेयरिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर मैं एक लिमिटेड फिनिशिंग तक ही आपको बताऊंगी। तो डिसाइड कर लीजिए कि आपको पूरी डिटेलिंग सीखनी है या क्या, है ना। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। अगर मोर देन 200 शेयर होंगे तो मैं A to Z छोटी से छोटी माइन्यूट फिनिशिंग भी आपको बताऊंगी। चलिए मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद, हाफ एन आवर भी नहीं, अभी 4:15 हुए हैं, तो हाफ एन आवर बाद ही मिलते हैं। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा मुझे आधे घंटे बाद यहीं इसी पेज पे आगे की डिटेलिंग के लिए। ये थोड़ा सा सूख जाए तो फिर हमें आगे का काम करने में आसानी रहेगी। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, मैं अब भी देख रही हूँ। अगर शेयर्स अच्छी अमाउंट में होंगे तभी मैं आगे का और बताऊंगी। चलिए बाय बाय।